हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी अपनी पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरीवन। आज हम पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिविल अपराइजिंग और पीजेंट्स रिवोल्ट पढ़ चुका है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्राइबल रिवोल्ट हुआ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे और ये हुआ क्यों। बेसिकली इन सब जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपको इम्पोर्टेंट प्लेस, उनके डेट और उन्हें किसने लीड किया था, इस बारे में पढ़ के फ़ायदा होगा। और इसी से इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि मैं आपको इस सेशन के लास्ट में करवाऊंगी। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ट्राइबल रिवोल्ट था क्या और ये हुआ क्यों। ट्राइबल रिवोल्ट बेसिकली जो इंडियन में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ट्राइब्स थे, उन्होंने किया था। और ये किसी भी और रिवोल्ट से ज़्यादा एग्रेसिव थे और वॉयलेंट भी थे। तो सबसे पहला कारण था ट्राइबल रिवोल्ट का कि जो भी ब्रिटिशर्स थे, वो ज़बरदस्ती इन ट्राइब्स के एरिया में घुस रहे थे और उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। दूसरा था कि जो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड सेटलमेंट करने की कोशिश की थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही अंदर सारे लैंड को ले लेना चाहते थे और जो वहाँ के ट्राइब्स थे उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने एग्रीकल्चर के नाम पे, उन्होंने कंपनी बनाने के नाम पे बहुत हद तक उनकी ज़मीनों को और उनके सोर्सेस को कंपनी द्वारा यूज़ किया जा रहा था। इवन वो वहाँ के जितने भी फॉरेस्ट थे, उसमें ट्राइबल्स की आस्था थी, वो नेचर को पब्लिक प्रॉपर्टी मानते थे, ना कि कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। बट ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मान के उसका दोहन कर रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काट रही थी रेलवे बनाने के लिए और अपने शिपिंग्स वगैरह के लिए, जो कि उनको ट्राइबल्स वगैरह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो फुल कंट्रोल चाहती थी कि हमारा और सिर्फ हमारा ही कंट्रोल हो। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मनी लेंडर्स के साथ मिलके एक्सप्लॉइट करने का सोच रही थी और उन्होंने ऐसा किया भी। और इसलिए उन्होंने ट्राइब्स वगैरह को बुरी तरह शोषित किया। इवन उन जो ट्राइब्स थे, वो क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए भी रेजिस्ट कर रहे थे कि वो कोई भी ईसाई धर्म नहीं अपनाएंगे और जो उनका अपना धर्म है, उनकी अपनी जनजाति है, वो सिर्फ उन्हीं का संरक्षण करेंगे और किसी और तरह का इंटरवेंशन या किसी और तरह का खलल उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे जैसे कि कंपनी की डिमांड बढ़ती गई प्रोडक्ट को लेके, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल्स वगैरह अफेक्ट हो रहे थे। जो भी मनी लैंडर्स थे, वो भी बुरी तरह से उन्हें शोषित कर रहे थे और इन्हीं सबसे तंग आके इस एग्रेसिव रिवोल्ट का जन्म हुआ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी ट्राइबल रिवोल्ट की, मतलब वो हुआ क्यों और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। बेसिकली इसकी भी सभी जगह जो पिछले रिवोल्ट हुए हैं, उन्हीं की तरह ये रिवोल्ट भी एग्रेसिव था, कहीं कहीं थोड़ा डाउन भी था। बट सबसे अलग फीचर ये था कि इनकी जगह अलग थी और इनका टाइम भी अलग था कि रिवोल्ट कब होंगे। इसमें बेसिक एजेंडा था कि वो किसी को भी नहीं बाहर का अंदर आना लाना चाहते थे, ताकि जैसे कोई भी कंपनी आए तो वो उनके चीज़ों को यूज़ करे। वो इस पर सिर्फ अपना और अपनी जनजातियों का हक ही मानते थे। इवन वो मनी लैंडर्स जो थे, जो भारत के लोग थे, उनकी भी इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये ट्रैवल फेज बेसिकली दो पार्ट में हम पढ़ सकते हैं, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और एक वेस्टर्न एरिया में। तो आइए पहले हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रिवोल्ट जो हुआ था, वो पहाड़ियाज रिबेलियन हुआ था। पहाड़ियाज रिबेलियन को पहाड़ियाज ट्राइब ने अंजाम दिया था। पहाड़ियाज ट्राइब जो थे, वो जिस जगह रहते थे, जिस फॉरेस्ट में रहते थे, उसे दामिने कोह कहा जाता था। और ये एक डेंसली फॉरेस्ट एरिया था, इसलिए इसका नाम भी दामिने कोह कहते हैं। पर्शियन भाषा में दामिने कोह का मतलब डेंसली फॉरेस्ट एरिया ही होता है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटरफेस किया, जो कि इंटरफेरेंस उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। इवन यहाँ पे मुगलों ने भी कभी इंटरफेरेंस नहीं किया था, इसलिए यहाँ के लोग बाहरी लोगों से अवगत नहीं थे और उन्हें इस तरह का खलल बर्दाश्त नहीं हुआ, और जिसका पुरजोर विरोध किया गया 1778 में राजमहल हिल्स में, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास है। और इस तरह से हाई रिवोल्ट हुआ, जो कि बाद में अंग्रेज़ों द्वारा ही सप्रेस कर दिया गया।
नेक्स्ट है चोर अपराइजिंग। चोर अपराइजिंग बेसिकली जब इंडिया में फेमाइन हुआ था उस टाइम पे हुआ था, और एक तो ट्राइबल्स उन चीज़ों से जूझ ही रहे थे, साथ साथ उन्हें इन अंग्रेजी शासन का भी सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पे फार्मर्स और जो हंटर्स थे वो पूरी तरह शोषित हो रहे थे अंग्रेज़ों द्वारा। अंग्रेज उन्हें चोर कह के बुलाते थे। चोर बेसिकली जो पिग वगैरह होते थे या जो सुअर होते थे उनको कहा जाता है, और इस तरह से वो उनका मॉरल डाउन करना चाहते थे और उन्हें अछूत मानते थे। वो फार्मर से भी हैवी टैक्स वसूलते थे उनकी लैंड को लेके। अगर वो लैंड नहीं दे पाते थे तो वो ज़बरदस्ती उसको पकड़ के छीन लेते थे। और हंटर से भी वो टैक्स मांगते थे कि अगर तुम जंगल में हंट करोगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। बट जो ट्राइब्स थी वो इससे अपनी ही संपत्ति मानती थी, और उनका मानना था कि वो अपनी ही चीज़ों के लिए क्यों टैक्स दे, वो भी दूसरे लोगों को। ये अपराइजिंग 76 से 72 तक चली, और अगेन 1795 से 1816 तक चली। ये रिवोल्ट भी बाद में जंगल महल के नाम से जाना गया, क्योंकि चोर वर्ड इतिहासकारों को सही नहीं लगा इनको दर्शाने के लिए। इसका विद्रोह सबसे ज़्यादा दुर्जन सिंह ने किया, जो कि खुद एक ज़मींदार थे, और उनसे उनकी ज़मींदारी ले ली गई थी 1798 में। उन्होंने आसपास के लीडर से भी समर्थन प्राप्त किया, और साथ साथ उन्होंने इन चुप वगैरह को भी इकट्ठा करके आर्मी का सामना किया। लास्ट में इस रिवोल्ट को भी बुरी तरह सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश कंपनी द्वारा, क्योंकि काफ़ी लोगों की हत्या कर दी गई, और काफ़ी लोग इन जो लीडर्स वगैरह थे वो भी इस चीज़ में मारे गए। नेक्स्ट है कोल म्यूटनी। कोल म्यूटनी बेसिकली 1831 में हुआ था। ये कोल ट्राइब्स ने किया था, जो कि छोटा नागपुर में ही रहते थे। इस ट्राइब ने इस म्यूटनी को रांची, सिंघम्बम, हजारीबाग, पालमो और वेस्टर्न पार्ट में भी फैलाया। ये ट्रबल 1831 में स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी लोग जो थे वो किसी भी तरह का इंटरवेंशन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, फार्मर, जो भी मनी लेंडर्स या जो भी ज़मींदार थे उन सब से दूर रहना चाहते थे, और ये हैवी टैक्सेशन हो रहा था उनके द्वारा, चाहे वो कोई भी रहे हों। साथ ही साथ वो ब्रिटिश के जुडिशियल सिस्टम से भी ग्रस्त थे, क्योंकि कोई भी न्याय उन्हें नहीं मिल रहा था उनकी ही चीज़ों के लिए, जिसने कोल रिवोल्ट को जन्म दिया। कोल रिवोल्ट में थाउजेंड्स ऑफ रिबिलियन मारे गए, और ये बहुत ही बड़ी त्रासदी की तरह देखा गया। लार्ज स्केल पे मिलिट्री ऑपरेशन चलाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। इवन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके इक्विपमेंट बेटर थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कोल ट्राइब्स को ही झेलना पड़ा था। नेक्स्ट है हो एंड मुंडा अपराइजिंग। ये 1820 से 1837 तक चला। जो राजा परासत थे लीडर हो ट्राइब के, उन्होंने इसे सिंघम्बम, जो कि झारखंड में है, उसमें अंजाम दिया इस रिवोल्ट को। ये रिवोल्ट भी दो फेज में चला था, 1827 में और उसके बाद 1831 में। इसमें भी रेवेन्यू पॉलिसी का विद्रोह चल रहा था बंगाली एरिया में, कि वो कोई भी तरह का हाई टैक्स नहीं पे करेंगे। जो रिवोल्ट था वो कंटिन्यू हुआ 1837 में मुंडा द्वारा, और बाद में बिरसा मुंडा ने इसे बहुत हद तक आगे फैला दिया था। यहाँ पे फोर्सफुली पैसे लिए जा रहे थे मनी लैंडर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इन ट्राइब से, इन्हीं के चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है द संथाल रिबिलियन। संथाल रिबिलियन सबसे बड़ा रिवोल्ट माना जाता है इन सभी ट्राइब रिवोल्ट जो भी हुए हैं। ये 1855 से 56 तक चला था, छोटा नागपुर राजमहल हिल्स के पास, जो कि बिहार में है। इसमें भी मनी लैंडर्स जो थे उसने पुलिस के साथ मिलके, और जो आसपास की ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनके साथ मिलके पूरा का पूरा जो ट्राइब्स थे उनको शोषित किया, और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की। जो वहाँ के ट्राइब्स थे वो इन लोगों को डीकूज मानते थे। डीकूज मतलब आउटसाइडर, और वो किसी भी तरह के आउटसाइडर का समर्थन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इस विद्रोह को अंजाम दिया।
द रेबिलियन जो था ये टर्न हुआ एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में अंदर सिद्धू और कानू जो टू ब्रदर्स थे उन्होंने इस संथाल मूवमेंट को लीड किया और बाद में डिक्लेयर हो गया कि जो भागलपुर राजमहल हिल से वो अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही चलाएगी और साथ ही साथ एक तरह की हार का सामना करना पड़ा संथाल रेबिलियंस को। और फाइनली 1856 तक जाते जाते ये संथाल रेबिलियन भी पूरी तरह बंद हो गया। नेक्स्ट है रामोसी राइजिंग। रामोसी राइजिंग जो था वो वेस्टर्न पार्ट में हुआ था, जैसे कि कुछ एरिया कुछ ट्राइबल रिवोल्ट नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में हुए तो कुछ ट्राइबल रिवोल्ट वेस्टर्न एरिया में भी हुए और उन्हीं का सबसे बड़ा एग्जांपल है ये रामोसी सिंह। रामोसी राइजिंग जो था ये वेस्टर्न घाट का रिवोल्ट था और इसे ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनेक्सेशन करेगी, यानी कि हड़प नीति अपनाएगी और ज़बरदस्ती वहाँ के जो भी कैटल थे ट्राइबल्स के, जो भी पशु मवेशी थे, जो भी उनका पेड़ वगैरह से टिम्बर वगैरह आता था लकड़ी, उन सबको वो खुद रख लेते थे और इवन उन अगर कोई ट्राइबल्स वहाँ जाता था तो उससे टैक्स वसूलते थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था क्योंकि ना ही कोई उन ट्राइबल्स की सुनने वाला था और ना ही कोई उनके देखरेख करने वाला। और इसका सबसे बड़ा असर मराठा वॉर के बाद भी हुआ, जब मराठाओं को बुरी तरह डिफ़ीट कर दिया गया। जब मराठा बुरी तरह डिफ़ीट हो गए तो इनकी चाह और बढ़ गई और उन्होंने धीरे धीरे हर चीज़ को अपने अंडर ले लिया। उन्हें अब डर ईस्ट इंडिया कंपनी को डर ही नहीं रहा था किसी का। उन्होंने इवन जो मराठा लोग थे उन्हें वर्क भी नहीं दिया, कोई काम भी नहीं दिया और बेहद सस्ते दामों पे बिना किसी प्रॉफिट के उनसे काम करवाते थे। इन्हीं सब का विद्रोह बाद में हुआ और जो कि आगे चल के बहुत फैल गया। ये विद्रोह भी दो फेज़ में चला, 1822 में और एक 1825 से 26 में, और कुछ अंश ये 1829 में भी चला। ये विद्रोह बार बार हो रहा था जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। ये अपराइजिंग जो था वो चितुर सिंह के अंडर जो वहाँ के राजा थे उनके अंडर चल रहा था, जिसमें उन्होंने विद्रोह किया कि उन्हें भी जॉब चाहिए और उन्हें भी काम चाहिए ताकि वो भी अपनी रोज़ी रोटी कर सकें। फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस डेली रिवोल्ट के से परेशान होकर उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया इन ट्राइब्स के साथ कि वो कुछ ट्राइब्स को नौकरी देंगे और कुछ फैसिलिटी भी देंगे, यानी कुछ ज़मीन वगैरह पे टैक्स कम कर देंगे। इस अरेंजमेंट के कारण फाइनली ये जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस एरिया को कैप्चर कर लिया और कुछ लोगों को रामोसी ट्राइब के लोगों को जॉब वगैरह भी दिया। नेक्स्ट है खासी अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग जो था वो बेसिकली मेघालय में हुआ था, जहाँ गारगो और जनात्या हिल्स के बीच में जो रीजन है उसको कहा गया कि वो एक रोड बनाना चाहते हैं जिससे वो ब्रह्मपुत्र वैली को लिंक कर सके बंगाल के साइड से, ताकि उनके ट्रेड के लिए इजी हो जाए। बट वहाँ के जो भी खासी ट्राइब्स थे वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का इंटरवेंशन हो, यानी किसी भी तरह के लोग यहाँ पे आए। कोई भी आउटसाइडर आए तो उन्हें पता था अगर कोई भी आउटसाइडर आया तो वो ज़रूर ही यहाँ के रिसोर्सेस यूज़ करेगा और एक्सप्लॉयटेशन होगी ही, जिसका विद्रोह उन्होंने जमकर किया। और इन सब ने मिलके खासीज गारगोस कंपतीज और जो सिंगापुर जितने भी लोग थे उन्होंने राजा तिरहत सिंह के अंडर एक आर्मी बनाई और इसका जमकर विद्रोह करना शुरू कर दिया। सिंगापुर रेबिलियन जो था वो इसके बाद असम में शुरू हुआ 1830 में, जिसमें इमीडिएटली इस रिवोल्ट को एक तेज़ी मिली क्योंकि रिवोल्ट काफ़ी पहले से आ रहा था, और जिसमें 1839 में जो ब्रिटिश पॉलिटिशियन एजेंट थे उसकी भी मृत्यु हो गई चीफ निरांग पेडू द्वारा, जो 1843 में उन्होंने उनको मार गिराया था और इससे ब्रिटिश को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा। फिर भी लड़ते लड़ते धीरे धीरे जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उन्होंने इनके ऊपर भी कैप्चर पा लिया और इस जगह को अपने अंडर कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अब नेक्स्ट सेशन में हम लास्ट म्यूटिनी टॉपिक करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।